नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। सबसे पहली खबर रामपुर से आ रही है, जहां के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 12 साल के नशेड़ी लड़के ने 6 साल के बच्ची की हत्या कर दी। आरोपी शराब और स्मैक के नशे का आदि है। शुरुआती जांच में पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने पूरी घटना को कबूल कर लिया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस इस मामले में विधिक कार्रवाई करने की बात कर रही है। 6 साल का बच्चा LKG में पढ़ता था और इसी साल से स्कूल जाना शुरू किया था। तो रामपुर में 12 साल के नाबालिग की हत्या कर दी गई। हत्या और कोई नहीं बल्कि उसका पड़ोसी था, जो शराब और स्मैक के नशे का आदि था। और अब उसने शुरुआती जांच में अपनी गुनाह को कबूल कर लिया है। रामपुर में 12 साल के नाबालिग की हत्या कर दी गई। आरोपी शराब और स्मैक के नशे का आदि था। 6 साल का बच्चा भी स्कूल ही जाना उसने शुरू किया था। LKG क्लास का छात्र था और उसकी अब हत्या कर दी गई है। आरोपी शराब और स्मैक का आदि था और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसका बच्चा दिन में 10 बजे के करीब से गायब है। इस पर सिविल लाइन पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मौके का निरीक्षण किया और पूछताछ करनी शुरू की। उसी में योगेंद्र यादव का पड़ोसी ही, जिसकी उम्र 12-13 साल है, उस लड़के से पूछताछ जब पुलिस ने की तो उसने कहा कि मैंने इस योगेंद्र यादव के बच्चे को, जिसकी उम्र 6 वर्ष है, जिसका नाम योग यादव है, उसे मारकर हाईवे के किनारे पेट्रोल पंप के पास गड्ढे के पास फेंक दिया है। पुलिस ने इस बाल अपचारी की निशानदेही पर सबको बरामद किया और जो बच्चे का कपड़ा नहीं था शरीर पर, उसके कपड़े बरामद किए, आला कतर बरामद किया और जो अपचारी है इसे गिरफ्तार कर लिया। ये अपचारी शराब पीने का आदि है और स्मैक वगैरह पीता है। इसकी उम्र कम है लेकिन इस तरह के व्यसन में पड़ गया है। तो ये बच्चा है योग यादव, इसके का पोस्टमार्टम के लिए सब भेज दिया गया है और उसकी कार्रवाई की जा रही है। मैंने आगे देखा तो मेरा लड़का नंगा पड़ा, चेहरा कुचला हुआ पड़ा। क्या नाम था, क्या करता था बच्चा? युग यादव था नाम। कच्चा LKG में पढ़ा गया, अब के एडमिशन कराया, गांव के रहने वाले वाला लड़ा पलड़ेगा ये वाला यहाँ हमारा। क्या करते हैं आप? मैं टावरों में टेक्नीशियन हूँ, टावर विजन में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र यादव है। बच्चे क्या नाम बताया? युग यादव। कितने टाइम से घर से गायब था? घर से 2-1 घंटे से गायब था भाई। वो मैं जैसे ड्यूटी से आया, मैंने रोटी वोटी कुक ली, मैंने लल्ला कहा, लल्ला बोली बाहर होगा, मैं सब में घूम देख कर आया तो मैंने खाना दे दे। जब वो आएगा फिर एक ही लड़का पहुँचा, मैंने तुम्हारा लड़का उधर देखा तो मैं इधर आया, मैंने कहा इधर क्या करने जाएगा, मैंने देखा तो मेरा लड़का बिल्कुल खत्म पड़ा, कुछ लगा पड़ा था, छोटे वोटे भी लगी हुई नहीं, पूरा ये निकला हुआ उसका आँख भी निकली हुई है उसकी। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही लड़का मेरा। वहीं श्रावस्ती में राप्ती नदी का बांध कटने से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल राप्ती नदी का अचानक जल स्तर बढ़ने से मुझेना के पास बांध कट गया है। बांध कटने से एक दर्जन से अधिक गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। इस बीच ग्रामीण और बाढ़ खंड के लोग बांध को बचाने में जुटे हुए हैं। दावा है कि मानक के मुताबिक बांध नहीं बनने की वजह से इस बांध में कई बार दरार आ चुकी है। पिछले साल भी बांध कटने से 2 दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हुए थे। इस साल भी बांध कटने से 1 दर्जन से अधिक गांव पर खतरा मंडरा रहा है। 4 जुलाई से शुरू हो रहे सावन की तैयारियों को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वाराणसी में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रमुख सचिव गृह और DGP ने समीक्षा बैठक की है। बैठक के दौरान DGP ने कहा कि सावन में ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर विशेष ध्यान रखना होगा, जिससे कि सावन में कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। प्रमुख सचिव गृह ने कहा कि वाराणसी, आजमगढ़, मिर्जापुर रेंज के अधिकारियों से मिला फीडबैक भी ठीक है। अधिकारी शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में कांवड़ यात्रा संपन्न कराने के लिए सजग और सतर्क हैं। प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। तो वहीं 4 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार पुलिस और प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ADG लॉ एंड ऑर्डर V. मुर्गेशन ने
अधिकारियों को कावड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के दिशा निर्देश दिए हैं। कावड़ मेले को देखते मेला क्षेत्र को 12 सुपर जोन, 37 जोन और 120 सेक्टर में बांटा गया है। जाम की स्थिति से निपटने के लिए प्लानिंग भी की गई है। इस बार 13 जगहों पर गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। पुलिस प्रशासन ड्रोन कैमरे से निगरानी भी रखेगी। कांवड़ मेले में करीब 4 करोड़ कांवड़ियों के हरिद्वार पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो कांवड़ को लेकर मेला क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। प्रशासनिक तौर पर हर वो इंतजाम किए गए हैं जो कांवड़ियों की हिदायत के लिए हो, उनके सहूलियत के लिए हो। बहुत सारी पार्किंग बनाई गई है और साथ ही साथ ट्रैफिक से निपटने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस व्यवस्था को हमने आज ब्रीफिंग कराया पूरा फोर्स को। ब्रीफिंग में मुख्य बात यह है कि हमारे पुलिस अलर्ट रहो, कोई भी कानून व्यवस्था बिगड़ना नहीं चाहिए। स्पॉट पे मौजूद रहते हुए जो इशू आता है तुरंत हैंडल करो। सीनियर ऑफिसर्स भी अलर्ट रहें ताकि कानून व्यवस्था बनाए। इसमें पर्याप्त नंबर फोर्स लगी है, पैरामिलिट्री फोर्स भी आने वाली है और हमारे पीएसी भी लगा हुआ है, जन पुलिस भी है और सेक्टर है हमारे 130 के आसपास सेक्टर बना हुआ है। ट्रैफिक व्यवस्था पूरा प्लान कर दी गई है। ट्रैफिक को पुलिस को भी ब्रीफिंग हो गया है और फील्ड में वो भी ब्रीफिंग होगा। ट्रैफिक को जब जरूरत पड़ता है डाइवर्ट किया जाता है। स्मूथ ट्रैफिक कराना हमारा ड्यूटी है। हमने अगल बगल प्रदेशों में भी हमने रिक्वेस्ट कर लिया है, जो वहाँ पे ऐसे चीज़ें मत ले आना है और जो कावड़ है उसका भी हाइट 12 फुट के ऊपर ना हो, हमने रिक्वेस्ट भेजे हुए, प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पर हमला करने वाले चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों को उस वक्त पकड़ा गया जब वो कोर्ट में सरेंडर करने जा रहे थे। गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही पार्टी के कार्यकर्ता सहारनपुर पुलिस लाइन पहुंच गए। आरोपी हरियाणा के अंबाला कोर्ट में सरेंडर करने वाले थे, जिसके बाद वहां पर सादी वर्दी में यूपी पुलिस के को तैनात कर दिया गया था। तो एसएसपी साहब से मुलाकात हुई है, अभी ये भी जानकारी मिलेगी। कुछ साथियों को, कुछ अपराधी को पकड़ा गया है। मैंने एसएसपी साहब से ये कहा कि इस पूरी चैन को खोलिए, ये पूरे ज़िले का क्षेत्र का मामला है। कौन वो लोग हैं जो पूरे क्षेत्र में आग लगवाना चाहते हैं, कौन वो लोग हैं कांवड़ के समय पर पूरे माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। एसएसपी साहब ने वादा किया आगे भी पूछताछ उन लोगों से चल रही है, पूछताछ के बाद सही क्या जानकारी है वो हम सबको दी जाएगी। अभी तक आपको क्या जानकारी मिली, किनसे कनेक्शन है इनका, क्या कुछ अभी रिलेशन? देखिए वो अभी एसएसपी महोदय ने कोई क्लियर नहीं किया है भाई, क्योंकि जांच करता तो प्रशासन ही, हम तो जांच करता नहीं है, हम तो पीड़ित हैं। आपको हाँ, लोगों को दिखाया गया? नहीं। अब आप देखिए, मैं मेरा तो कोई परिचित नहीं है, चंद्रशेखर भाई जानते हैं तो ये सवाल उनसे पूछा जाएगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो स्थानीय लोग हैं। कहा था अब चंद्रशेखर भाई आज परिचित मेरे देखिए, हाँ नहीं वो देखिए जब क्या के हमला होता है, अब आप ही मेरे सामने खड़े हैं तो जब मैं आपके चेहरे देख पा रहा हूँ तो तभी तो आपको पहचान पाऊंगा। जिस व्यक्ति ने हमला किया है वो शायद उन्होंने देखा होगा, वो पुलिस की जांच में सब कुछ ऐड किया गया है, ठीक, तो वो पहचान पाएंगे जब उनको देखा जाएगा। पुलिस अपना कन्फर्मेशन कर देगी कि यही लोग हैं और किसने कराया है, तो फिर उसमें तो कोई डाउट रह ही नहीं जाता। और इसी कड़ी में आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण पर हुए हमले को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कहा है कि उनको सुरक्षा दी जाएगी। तो चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले के बाद अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे, उनको सिक्योरिटी दी जाएगी। और हम आपको बता दें कि आज ही उनको पकड़ा गया है, चारों अपराधियों को पकड़ा गया है और आप देख सकते हैं ब्रजेश पाठक यहां पर मौजूद हैं और यहीं पर उन्होंने बयान दिया कि चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा दी जाएगी, सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। आजमगढ़ में अखिलेश यादव के जन्मदिन को लेकर सपा ने अखबारों में विज्ञापन जारी किया
और पोस्टर बैनर भी लगवाए गए थे, लेकिन इससे सबकी तस्वीरें दिखी पर शिवपाल यादव की तस्वीर नहीं दिखी। समाजवादी पार्टी के जिला इकाई के इस कारस्थानी से शिवपाल समर्थकों में जहां नाराजगी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी शिवपाल पर निशाना साध रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक राम दर्शन यादव का कहना है कि समाजवादी पार्टी में इतनी गोलाबंदी है कि ये लोग शिवपाल यादव को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, तो फोटो क्या लगाएंगे। समाजवादी पार्टी के लिए आजमगढ़ एक ऐसा बैटल फील्ड है, एक ऐसी युद्ध भूमि है जहां वो अपने सियासी सूरमाओं को शहीद करने के लिए भेजते हैं। इससे पहले आप देख चुके हैं कि धर्मेंद्र यादव जी यहाँ पे आए थे और चुनाव भी लड़े, लेकिन पार्टी से उनको सपोर्ट भी नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे एक शानदार विजय हासिल की। तो इसी तरह से शिवपाल यादव जी एक बार बगावत कर चुके हैं सपा के साथ, और अखिलेश यादव नहीं चाहते कि सारा समाजवादी पार्टी उनके इर्द गिर्द इकट्ठा हो, इसलिए वो आजमगढ़ के बैटल में उनको भेज रहे हैं और यहाँ पर भेजेंगे और भारतीय जनता पार्टी उनको हराएगी, उनका सियासी कद छोटा होगा। और ये बात समाजवादी पार्टी के नेताओं को, यहाँ के स्थानीय नेताओं को अच्छी तरह से पता है। तो वहीं अखिलेश यादव के जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी के रामपुर कार्यालय पर आजम खान ने कलम से केक काटा। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव को सलाह देते हुए कहा कि समाजवाद का चोला ओढ़कर आने वाले नकली समाजवादी लोगों ने बड़ा नुकसान किया है जो समाजवादी पार्टी में दाखिल हो रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ऐसे लोगों को निकाले नहीं बल्कि ठोकर मारकर हटा दे। जो लोग धोखा देकर झूठ बोलकर अपने चेहरों को स्याही पर सफेदी लगाकर समाजवादी पार्टी में दाखिल हुए हैं, हम चाहेंगे कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ऐसे लोगों को निकाले नहीं ठोकर मार कर निकाले, क्योंकि उससे छोटा नहीं बड़ा नुकसान है। हो सकता है नुकसान हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासतौर से जो नतीजे आए हैं और फासिस्ट ताकतों ने जिस तरह से समाजवादी विचारधारा को नुकसान पहुंचाया है, हम सबको उससे सबक लेने की ज़रूरत है, उसके कारणों पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। और डरने की ज़रूरत नहीं है, मुकाबला करने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद हमें फिर दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो खबर आ रही है कि सपा मुखिया अखिलेश के जन्मदिन के मौके पर सपा ने आगरा के स्लम एरिया में टमाटर बांटे हैं। नेता ने कहा है कि टमाटर के दाम आसमान पहुंच रहे हैं, इसी को लेकर पार्टी ने टमाटर का वितरण किया है। महंगाई पहले से ही चरम पर थी और अब रोजमर्रा की जरूरत टमाटर भी गरीबों की पहुंच से बहुत ही दूर जा चुकी है। 2024 और 2027 अखिलेश यादव सत्ता में वापस आए जिससे गरीबों को राहत मिले। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सपा कार्यकर्ता लोगों को टमाटर बांटते हुए नजर आ रहे हैं। मेरठ में एमजीए की महिला क्लर्क की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया और ये कार्रवाई एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है। शनिवार को मेरठ विकास प्राधिकरण की महिला क्लर्क को 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के बाद एमडीए के कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल राहुल भड़ल नाम के वकील ने रिश्वत मांगने की शिकायत की थी और कहा था कि प्लॉट के नामांतरण के लिए एमडीए की क्लर्क अनीता शर्मा रिश्वत मांग रही है, जबकि सभी कागजात मौजूद थे। आमंत्रण की फाइल थी जो एमडीए कार्यालय में मेरी चली हुई थी, जिसके संबंध में मैंने आवेदन करा था। मेरी माता श्री के नाम प्लॉट था, वो नामांतरण कराने के लिए मैंने आवेदन किया। आवेदन करने के बाद मैंने ऑनलाइन जो फीस कटती है वो फीस कटवा करके एमडीए वो जा चुकी थी फाइल। कई दिन से वो फीस पेंडिंग होने के बाद मैडम के पास ये फाइल पेंडिंग चल रही थी, तो मैंने इनसे एक बार फ़ोन पर संपर्क करा तो उन्होंने फ़ोन पर संपर्क करने को मना कर दिया और एटीट्यूड दिखाते हुए कहा कि तुम ऐसा है यहाँ पर आओ कार्यालय में, मैं फ़ोन वोन पर बात नहीं करती हूँ। मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर इन्होंने कहा कि ऐसा है जब तक 5,000 रुपये मुझे नहीं दोगे तुम्हारी फाइल में आगे नहीं भेजूंगी। इस करके बाद मैंने वहाँ से मैडम से निवेदन करा, मैडम ऐसा है कि
पर्सनल फाइल है, पेशे से वकील हैं हम, आप ऐसे कैसे ना करें, फाइल को मेरी आगे फॉरवर्ड कर दें। तो फिर जब ये नहीं मानी, उन्होंने कहा वकील हो तो कोई तोप थोड़ी हो तुम, वकील हो तो कोई तोप थोड़ी हो, पैसे के बिना फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। फिर मैंने इनसे निवेदन करा, मैंने मेरी फाइल कल तक रोक लो, मैं कल पैसे दे दूंगा। तो फिर एक दो दिन का समय, ईद वगैरह आ गई, छुट्टी हो गई, तो आज इन्होंने का फिर से फ़ोन आया कि अगर तुम्हारी पैसे नहीं लेकर आए हो तो मैं तुम्हारी फाइल आज खारिज कर दूंगी। इस करके जो है, फिर मैं आज इनके फ़ोन आने के बाद मैं दोबारा से इनके कार्यालय गया एंटी करप्शन में शिकायत करके, तब जाके ये मामला बना। मसूरी में तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश के पानी के साथ सड़क पर मलबा आने से ट्रैफिक कई जगह धीमी पड़ गई, कई वाहन सड़क पर फंसे रह गए। मसूरी कैंपटी, मसूरी देहरादून, मसूरी टिहरी बाईपास पर मलबा आ गया था, जिसके बाद मसूरी के मुख्य चौक से कई किलोमीटर का जाम लग गया है। बता दें कि मसूरी के कई प्राकृतिक नाले बंद पड़ गए हैं। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को नालों को खोलने के निर्देश दिए थे, परंतु अभी तक कोई नाले नहीं खोले गए, जिसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मलबा और गंदा पानी रूट पर दिख रहा है, रोड पर दिख रहा है, और साथ ही साथ ऐसे में ट्रैफिक को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, रोड्स को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, आवाजाही में परेशानी हो रही है, सारे हाईवे ब्लॉक्ड हैं, नाले ब्लॉक्ड हैं। वहीं बागपत में ई रिक्शा वाले की लापरवाही युवक के लिए जानलेवा साबित हो गई। दरअसल ई रिक्शा में सरिया रखा हुआ था, जो कि बाइक सवार युवक के गर्दन के आर पार हो गई। युवक ने लोगों की मदद से सरिया निकाला था, उसकी गंभीर हालत को देखते हुए मेरठ रेफर कर दिया गया है। घटना दिल्ली सहारनपुर हाईवे की है। तो युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती है, और देख सकते हैं आप किस तरीके से युवक की हालत आपके सामने है। उत्तराखंड में पांचवा धाम सैन्य धाम के निर्माण के लिए प्रदेश के शहीदों के आंगन की मिट्टी एकत्रित की गई। इसी के तहत प्रदेश की सभी पवित्र नदियों का जल एकत्रित कर दिया गया है, और क्षेत्रीय विधायक सुरेश चौहान ने उत्तरकाशी से गंगा का पवित्र जल पूरे विधि विधान के साथ कलश में भरकर देहरादून के लिए रवाना किया। उधर यमुनोत्री विधायक संजय डोवल ने गंगानी से मां यमुना जी का जल कलश से भरकर रवाना किया। तो वहीं मऊ में देह व्यापार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने होटल को सील कर दिया है। रोडवेज के पास बने राधा कृष्ण होटल को संदिग्ध गतिविधियों के चलते सील कर दिया गया है। पिछले दो महीनों में पुलिस ने राधा कृष्ण होटल में दो बार छापेमारी की थी, और दोनों बार की छापेमारी में कई जोड़े अश्लील हरकत करते हुए नजर आए। इसके बाद पुलिस ने जिलाधिकारी को रिपोर्ट किया सौंपी, और इसी के आधार पर जिला प्रशासन की टीम ने होटल को सील कर दिया। आलोक कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय गणेश प्रसाद मुहल्ला सादतपुरा थाना कोतवाली नगर मऊ के द्वारा जो सराय अधिनियम 1867 के धारा 5 और 6 का उल्लंघन किए हैं, नोटिस के बाद भी बिना रजिस्ट्रेशन कराए बिना अग्निशमन विभाग की एनओसी लिए उक्त होटल का अवैध संचालन कर रहे थे। उक्त होटल में अनैतिक देह व्यापार जैसे अपराध कारित किए जा रहे थे। इस दशा में सराय अधिनियम 1867 की धारा 5 के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।